precious people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों आप सबको जय मसीह की। आज की डिवोशन के लिए हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय उसका 7वां पद। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी जी, और ना उसका पौरुष घटा था। आमेन एंड आमेन। मूसा अपनी मृत्यु के दिन 120 साल तक के मूसा जीवित रहे। अपने मृत्यु के दिन तक के वो एक एक्टिव जीवन को, सक्रिय जीवन को वो जीता रहा। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा अपने जीवन के आखिरी के 40 साल इसराइलियों को लेकर के चला, मुल्क मिस्र से उनको निकाल करके वो कनान तक के उनको लेकर के जाता है। और जैसे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो मिस्र से लोग निकले वो तकरीबन 20 लाख इसराइली थे जो कि मिस्र से निकले और उनको मूसा कनान तक के लेके पहुंचे। पर आपको मालूम ये 20 लाख लोग जो मिस्र से निकले थे, इनमें से हर वो जन जो कि 20 साल की ऊपर का था, कनान देश के पहुंचने के रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती। इन 40 सालों में जंगल में इस बड़ी भीड़ जो ये खत्म हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और सिर्फ दो लोग ही हैं जो कि मिस्र से निकले और वो कनान देश तक के पहुंच, जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर की थी। इनमें से कोई भी जन मूसा के आसपास तक के नहीं पहुंच पाया, कोई भी जन 120 वर्ष तक के नहीं पहुंच पाया। कई बार क्या होता है कि हम अपनी तुलना और लोगों के साथ में करते हैं जो कि हमारे आसपास में होते हैं। हम तुलना कर रहे होते हैं उनके साथ में, हम संसार के साथ में उस तुलना में जाते हैं और हमको लगता है प्रभु हमारे पास में तो ये नहीं है, उनके पास में वो है, उनके पास में वो है और हमारे पास में ये नहीं है। और कई बार ये तुलना हमको दुख में लेके जाती है, कई बार आंसू में लेके जाती है, कई बार निराशा में लेके जाती है, कई बार हम डिप्रेशन में जाते हैं और कई बार हम परमेश्वर से आज भी हो जाते हैं। प्रभु हम तो आपके पीछे चल रहे हैं पर हमारे पास में सब कुछ क्यों नहीं है और संसार के पास में इतनी आशीषें ऐसा क्यों है। प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस बात पे ध्यान दें जो प्रभु ने आपको दिया है, और वो पोषण और वो हिस्सा, वो आशीष जो प्रभु ने आपको दी है उनसे कहीं बेहतर है, उससे कहीं बेहतर है जो मेरे प्रिय उनके पास में है। यस, हो सकता है संसार के पास में कुछ ऐसी बातें हो जो कि आपसे आता हूं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके पास में जो हिस्सा है, आपके पास में जो पोषण है वो उनसे कहीं बेहतर है जो प्रभु ने आपको दिया। और यदि आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यदि आप उन बातों के ऊपर ध्यान देंगे जिन बातों के लिए प्रभु ने आपको आशीषित किया, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप साइट होने जा रहे हैं, आप आनंदित होने जा रहे हैं और आपका यह सफर मसीह में खूबसूरत आपका सफर ये मसीह में खूबसूरत होने जा रहा है। मूसा तुलना नहीं कर रहा था अपनी संसार के लोगों के साथ में, पर मूसा ने उन बातों के ऊपर ध्यान दिया जिन बातों से परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था। दाऊद ने जब वो सिंहासन पे नहीं बैठा था वो उन बातों के ऊपर मनन नहीं कर रहा था जो उसके पास में नहीं थी, पर उस अभिषेक के ऊपर उसका मनन था जो कि उसके ऊपर था। और क्योंकि वो परमेश्वर के वायदों को पकड़े रहा, परमेश्वर को पकड़े रहा, इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के वायदे उसके जीवन में सिद्ध होने पाए। कई बार हमारा ध्यान मेरे प्रियो सिर्फ इस बात के ऊपर होता है हमारे पास में ये नहीं है, हमारे पास में वो नहीं है, और कई बार हमारी सारी प्रार्थनाएं संसारिक बातों के लिए ही होती हैं, संसारिक चीजों के लिए ही होती है मेरे प्रियो। और इसलिए कई बार हम मिस कर जाते हैं परमेश्वर की वो बड़ी और वो विशेष आशीष जो वो हमको देना चाहता है। मूसा के बारे में लिखा है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके 24 पद से 24 25 और 26 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विश्वास ही से जी मूसा ने सयाना होकर जी फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए जी उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा जी। उसने मसीह के कारण निंदित होने को जी मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें खल पाने की ओर
फल पाने की ओर लगी हुई थी। कई बार हमारी सारी प्रार्थनाएं संसारिक आशीषों के लिए होती है, संसारिक बातों के लिए, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए, प्रभु ये आवश्यकता है, प्रभु वो आवश्यकता है, और आत्मिक चीजों के प्रति हम ध्यान नहीं देते। मूसा को तो यहां सिंहासन मिल रहा था, मूसा को तो मिस्र का सिंहासन मिल रहा था, और सिंहासन के साथ में अधिकार और मिस्र का सारा धन उसको मिल रहा था, पर मेरे प्रियो उसने उसको तुच्छ जाना और अपने आप को उसने परमेश्वर के साथ में जोड़ा, अपने आप को उसने परमेश्वर की मर्जी में उसने अपने आप को जोड़ा और अपने जीवन को उसने परमेश्वर की इच्छा में जिया। संसारिक चीजों के पीछे नहीं, संसारिक चीजें तो उसको मिल रही थी, ये धन संपत्ति, ये बड़ी गद्दी, ये ढेर सारा अधिकार तो उसको मिल रहा था, पर इन तमाम चीजों को उसने त्याग करके अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ में एक किया और उसके लिए उसने जीवन को जिया। और मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि ना सिर्फ मूसा ने एक लंबे जीवन को जिया, पर उसने एक सामर्थी जीवन को जिया, एक विशेष जीवन को उसने जिया, जो कि उसके दिनों में और अभी तक के एक बहुत विशेष और आशीषमय जीवन है। एक आशीषमय जीवन है, सिर्फ बहुत लंबा जीवन नहीं जिया, 120 साल तक सिर्फ एक्टिवली सिर्फ सक्रिय जीवन को वो नहीं जी रहा था, पर 120 साल तक के वो सामर्थी जीवन को जीने पाया। खासतौर से उसके आखिर के 40 साल बहुत सामर्थी जीवन के होने पाए। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को दे देते हैं परमेश्वर की इच्छा के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको ब्लेस करते स्पेशल तरीके से, विशेष तरीके से वो आपको ब्लेस करेगा, जब संसारी चीजों से अपने मुंह को फेर करके अपने जीवन को आत्मिक आशीषों के लिए, आत्मिक बातों के लिए लगाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हम तुलना करते हैं अपने संसार के साथ में, लोगों के साथ में, और हम दुखों में जाते हैं, हम आंसुओं में जाते हैं, हम निराशा में जाते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिन बातों से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है वो उन बातों से कहीं उत्तम है जो संसार के पास में है और जो लोगों के पास में, और होने पाए कि आपका ध्यान उन बातों के ऊपर हो जिन बातों से प्रभु ने आपको आशीषित किया है, और आपका यह सफर खूबसूरत होने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आप हमसे बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और आपने हमको विशेष तरीके से ब्लेस किया, आपने हमको संसारिक स्तर के ऊपर नहीं रखा है पर आपने हमको आत्मिक स्तर के ऊपर रखा है प्रभु, और आपने हमको कुछ वो दिया है जो कि आपने संसार को नहीं दिया है, जो कि आपने आम लोगों को नहीं दिया है, आपने हमको कुछ खास चीजों से आशीषित किया है। और मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं समय आपकी कलीसिया के लिए प्रभु, होने पाए कि आपकी कलीसिया उन बातों के ऊपर ध्यान देने पाए जो बातें आपने उनके जीवन में रखी है, जो चीजें आपने उनके जीवन में रखी, जो विशेष आशीष से प्रभु आपने अपनी कलीसिया को ब्लेस किया, इस अभिषेक से आपने उनको ब्लेस किया प्रभु, उन बातों के ऊपर कलीसिया का ध्यान रहने पाए, संसारिक आशीषों तक के ही हम सीमित ना रहे। जब अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु आप लोगों को छुए और आप उनको सही दिशा दें और सही दिशा में आप उनको लेकर के आगे चलने पाए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तमाम बातों के लिए, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा, आमेन एंड आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु आपको आशीष दें, जय मसीह की।